गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर हरिओम, और आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की। और सीरीज हमारे पास है डिस्क्रीट सीरीज, जिसके यहाँ पर ये लिखी हुई है, और इसमें हम शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, दोनों मेथड की सहायता से इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम शॉर्टकट मेथड में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, और शॉर्टकट मेथड के लिए हमारे पास फार्मूला इस प्रकार से होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्केयर ओवर एन माइनस सिग्मा एफ डी ओवर एन पूरे का स्केयर। ये इस प्रकार से ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो इसमें हमें चाहिए होता है डेविएशन, और इस शॉर्टकट मेथड है क्यों इसलिए डेविएशन हमें चाहिए। तो डेविएशन हमें मीन से नहीं लेंगे, यहाँ पे अज्यूम मीन से हम डेविएशन लेंगे, क्योंकि शॉर्टकट मेथड में अज्यूम मीन से हम डेविएशन लेते हैं। और उसके बाद फिर एन नंबर ऑफ आइटम हमारे पास है, तो इस प्रकार से, और ये चिन्ह है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लेंगे अज्यूम मीन। तो अज्यूम मीन इसी सीरीज में से हम ले लेंगे, जो वेरिएबल्स है उसी में से हम ले लेंगे। और अज्यूम मीन यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, अज्यूम मीन इज इक्वल टू, और यहाँ पे अज्यूम मीन मैं लेना चाहूँगा 75। तो ये 75 अज्यूम मीन हो गया। तो जब अज्यूम मीन हमारे पास है, तो उसके बाद हम डेविएशन निकालेंगे, और डेविएशन निकालेंगे तो ये डी कैसे निकाला जाएगा, ये होगा एक्स माइनस ए। तो इस प्रकार से डी ये डेविएशन होगा। तो एक्स हमारे पास कितना है 35, और ए है हमारे पास 75। तो इसमें से ये निकालेंगे तो ये माइनस 40, और ये माइनस 30, और माइनस 20, और ये माइनस 10, और इस प्रकार से सभी हम निकाल लेते हैं, और ये हो गया डी। अब डी का हम करेंगे डी स्केयर। अब डी स्केयर करेंगे तो यहाँ पे डी का स्केयर करिए, डी स्केयर का यहाँ पर आता है आपका 1600, ये 900, और ये आता है 400, और ये 100, और ये 0, ये 100, और ये आता है आपका 400। तो इस प्रकार से डी स्केयर आ गया। अब डी स्केयर के बाद हमें चाहिए एफ डी स्केयर, तो डी स्केयर को एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एफ डी स्केयर आ जाता है। तो ये एफ डी स्केयर, तो एफ डी स्केयर में एफ ये था हमारे पास, और ये है आपका डी स्केयर। तो इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6400 इस प्रकार से आ जाता है, और ये 5400 इसकी डी स्केयर और एफ की हम गुणा कर रहे हैं, तो इस प्रकार से ये आ जाता है। और यहाँ पर आता 3200, और यहाँ पर आता है ये 1200, और ये 0, और उसके बाद ये है 800, और यहाँ पर आता है आपका 800 फिर दोबारा। तो इस प्रकार से ये आ गया हमारे पास एफ डी स्केयर, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे एफ और डी भी चाहिए हमें, एफ की और डी की मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पर एफ और डी, एफ डी में एफ है हमारे पास, ये वाला एफ है, और डी हमारे पास ये डी है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस आ जाता है। इस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, और ये आता है 1 माइनस 180, और इसी प्रकार से ये आता है 160 माइनस 160, और तो ये आता है माइनस 120, और उसके बाद ये 0, और ये आता है 80, और इस प्रकार से ये आता है 40। तो इस प्रकार से ये आता है। तो ये सब आगे, और यहाँ पर भी इसका हम समेशन कर लेंगे। तो जब हम इसका हम समेशन करेंगे, सिग्मा एफ डी समेशन ऑफ एफ डी स्केयर ये करेंगे, तो इसको हम जोड़ लेंगे सभी को, ये 17800, और ये आता है आपका सिग्मा एफ डी, इसको भी हम जोड़ लेंगे, जो माइनस के अलग से जोड़ेंगे, प्लस के हम अलग से जोड़ेंगे। तो माइनस माइनस के यदि हम यहाँ पर जोड़ते हैं तो ये आते हैं आपके पास -620, और इसमें से यदि हम 120 हम प्लस के यहाँ घटा देंगे तो यहाँ पर 120, और ये आपके पास बच जाते हैं इज इक्वल टू -500। फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ आइटम हमारे पास है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्केयर कितना है हमारे पास, ये 17800। तो ये 17800 और डिवाइड बाई 50, माइनस ये है माइनस 500 बटे ये 50, और पूरे का स्केयर। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने में ये इस प्रकार से कैलकुलेट किया, और यहाँ पे इस प्रकार से कैलकुलेट किया, तो ये हमारे पास इधर आ जाता है। तो इसको हम यदि हम डिवाइड करते हैं तो अंडर रूट हमारे पास आ जाता है 356 माइनस, और इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये यहाँ पर 10 रह जाता है, और 10 का स्केयर हो जाता है हमारे पास ये यहाँ पे ये माइनस के थे, ये थोड़ा सा हम करेक्ट करेंगे, तो ये -500 थे, और इसको -10 आ जाएगा डिवाइड करने के बाद, और 10 माइनस 10 का स्केयर 100,
तो 100 यहाँ पे हम लिख लेंगे, और क्योंकि वो पहले से ही प्लस हो गया है स्क्वायर होने के बाद, और यहाँ पे माइनस का ही रहेगा, तो ये 100 इस प्रकार। और ये आता है 256, ये आता है 16। तो इस प्रकार से स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 16। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। यह था शॉर्टकट मेथड में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका। अब हम इसमें बात करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे सीरीज लिखी हुई है और यहाँ पर लिखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, और स्टेप डेविएशन मेथड में फार्मूला लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी डैश इसका स्क्वायर बटे एन, सिग्मा एफ डी डैश ओवर एन पूरे का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई आई। ये इस प्रकार से स्टेप डेविएशन होता है, और आई क्या है यहाँ पे कॉमन फैक्टर रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले हमने ये लेना है डी, डी का मतलब डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन, तो अज्यूम मीन से हम डेविएशन ले लेंगे सबसे पहले यहाँ पे। तो यहाँ पर अज्यूम मीन ले लेते हैं ए, यहाँ पे मैं 65 रखना चाहूँगा, तो अज्यूम मीन हमने ले लिया। तो अब हम डी निकालेंगे, और डी कैसे निकालेंगे, ये होगा एक्स माइनस ए, तो एक्स कितना है आपका 35 और ए कितना है 65, तो ये आपके पास आ जाता है माइनस 30, और यहाँ पर माइनस 20 माइनस 10 और ये 0 10 20 और ये इस प्रकार से 30, ये इस प्रकार से आता है, ये हो गया आपका डी। अब डी के बाद हम करेंगे डी डैश। अब डी डैश कैसे करेंगे, डी को यदि कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया जाए तो डी डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू डी डैश। कॉमन फैक्टर इसमें क्या है 10, ये देखिए 10 से सभी ये डिवाइड हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर है आई इज इक्वल टू 10, और ये हो गया आपका डी डैश। डी डैश होगा माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 और ये इस प्रकार से 3, ये डी डैश हो गया। अब डी डैश के बाद हम डी डैश स्केयर करेंगे। अब डी डैश स्केयर, ये डी डैश और इसका स्केयर, अब डी डैश स्केयर किया तो ये इसका है 9 4 1 0 1 4 और ये इस प्रकार से 9। अब डी डैश स्केयर हो गया हमारे पास। अब जब डी डैश स्केयर हुआ तो हमने एफ डी डैश स्केयर लेना है, तो डी डैश स्केयर तो इसको एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ हमारे पास ये है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ये हो गया एफ डी डैश और इसका स्केयर, तो ये था आपका 9 और ये 4, तो ये हो जाता है आपका 36 और ये है 24 और ये 8 और इसी प्रकार से हम सारे लिख लेंगे 10 और ये 32 और ये 18 इस प्रकार से। अब हमारे पास इधर रह जाता है ये एफ डी डैश, डी डैश को एफ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी डैश कहाँ था हमारे पास, ये डी डैश है और एफ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एफ डी डैश, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 को 3 से माइनस 12 और ये 6 और माइनस 12 और ये 8 माइनस 8 और इस प्रकार से 0 और ये आता आपका 10 और ये 16 और ये 2 3 और 6, ये 6 आ जाता है। अब हम कर लेंगे समेशन, इसका समेशन सिग्मा एफ डी डैश स्केयर, तो ये सिग्मा एफ डी डैश और इसका स्केयर ये आता है 128 और इसी प्रकार से इसका भी हम कर लेंगे सिग्मा एफ डी डैश, ये किया माइनस के 32 है और प्लस के भी 32 है, तो इस प्रकार से ये आता है आपका 0, तो इस प्रकार से ये 0 आता है और आई हमारे पास है 10, तो इस प्रकार से फार्मूला आप जब अप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से ये होता है अंडर रूट ये है आपका 128 128 और डिवाइड बाय एन 50 और माइनस ये 0 बटे ये 50 और पूरे का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय 10 इस प्रकार से। तो ये इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये तो 0 रह जाता है हमारे पास और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आता है आपके पास अंडर रूट 2.56, ठीक है, और इस प्रकार से मल्टीप्लाई बाई 10 और ये 2.56 का जब हम अंडर रूट करते हैं तो ये आता है 1.6 और मल्टीप्लाई बाई 10, तो इस प्रकार से आ जाएगा 16, तो ये आंसर हमारे पास आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड इज इक्वल टू 16। तो ये इस प्रकार से हमारा हुआ स्टेप डेविएशन मेथड।
मेरे ख्याल से आपको ठीक से समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से और स्टैटिस्टिक्स के जो फार्मूले हैं और जो कैलकुलेशन है, यदि आपने समझनी है तो इसी चैनल को आप लगातार देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।